के प्रोग्राम में मैं आपको विजिट करवाने जा रही हूँ ओपन यूनिवर्सिटी। इस्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की जो वैरायटी है प्रोग्राम्स की, वो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक साइंसेज के, सोशल साइंसेज के हर किस्म के प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं। तो उसके बाद तरीकाकार भी इतना आसान है कि घर बैठे ही स्टूडेंट्स इसमें दाखिला ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। एक प्रो एक्टिव अप्रोच की वजह से जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 लाख से ज़्यादा इनरोलमेंट भी है। हम मुख्तलिफ वर्ल्ड रैंकिंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जब हम रेट करती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस वक्त जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आज हम पहले नंबर पे हैं। इसका और फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्क सिर्फ जो है वो मोड ऑफ डिलीवरी का है एजुकेशन की। इसकी दी गई डिग्रियां बिल्कुल उसी तरह से तस्लीम की जाती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, जिस तरह किसी भी और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां होती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट नीलम अरशद एंड यू वाचिंग प्रोग्राम कैपिटल लाइफ। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें उम्र तजर्बे की कोई कैद नहीं, घर बैठे कहीं भी बैठे हुए आप तालीम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, कैपिटल लाइफ में मैं पहुंची हूँ आज इस्लामाबाद के सेक्टर H84 में कायम इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। 50 साल से कायम इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 50 लाख से ज़ायद तलबा फारिगुल तहसील हो चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये यूनिवर्सिटी किस तरह से तलबा को तालीम दे रही है, इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से काम हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, जिसमें तालीम सबके लिए ओपन है। चलिए राइट नाउ आई एम हियर एट द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये लाइब्रेरी कोई आम लाइब्रेरी नहीं, बिकॉज यहाँ पर लाखों से ज़ायद किताबें हैं जो कि ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि दूर दराज 54 से ज़ायद जो जगह हैं वहाँ बैठे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम जानेंगे जो लाइब्रेरी हेड हैं कामरान हमीद साहब उनसे। जी, हमारे तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमारे पास बुक्स हैं और डिजिटल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास HSC के डिजिटल रिसोर्सेज हैं और 54 हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनसे हम इनसे कनेक्टेड हैं। ज़बरदस्त। तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, फिज़िकली हम यहाँ से इंटरटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रीजन्स में हमारे स्टूडेंट फॉर ठीक है बैठे हुए हैं, एक मैंने ऐप का सुना है कोई आपकी लाइब्रेरी एक्सेस के नाम से, ऐप के जरिए भी उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी लाइब्रेरी को। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक्सेसिबिलिटी सेंटर है, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है वो, और उसके अंदर जॉज एक प्रोग्राम है जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देख सकते, वो उसको माउस के ज़रिए, आप माउस को जब मूव करते हैं तो वो गाइड करता है और आपको रेलेवेंट मटेरियल तक लेके जाता है। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से इसमें काफ़ी रेनोवेशंस हुई हैं, डिपार्टमेंट्स हैं कि उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि सबको विज़िट करना मुमकिन नहीं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सब यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कुलीदी हैसियत रखता है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटाबेस सेंटर। तो अभी हम इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के IT डेटाबेस सेंटर विज़िट करने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये डेटाबेस सेंटर दीगर यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए, We'll be right back.
असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी हसन खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनका आईटी डिपार्टमेंट दीगर यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट से कैसे डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल शुक्रिया। विजिट किया हमने आपका डेटाबेस सेंटर, हाईली इक्विप्ड, जदीद मशीनरी से लेस, किस तरह से डिफरेंट है दीगर यूनिवर्सिटीज़ से? बेसिकली हमारा डाटा सेंटर जो है वो TF3 कम्प्लाइंट डाटा सेंटर है, लाइक एवरीथिंग इज़ रिडंडेंट। हमारे पास पावर से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ रिडंडेंसी में है, और हमारी डाटा सेंटर का जो स्केल है वो पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी इस स्केल पे ऑपरेट नहीं कर रही जिस स्केल पे हम कर रहे हैं। लाइक आपको बताओ, हमारे स्टूडेंट्स 1 मिलियन में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो इस पूरे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें कंप्यूटर भी हाई चाहिए थी, तो इसलिए हमारा और सेम इस डाटा सेंटर का रेप्लिका हमारा डिज़ास्टर रिकवरी साइट हमने बनाई है मुल्तान में। तो मुल्तान में भी हमारा इस डाटा सेंटर का रेप्लिका है, तो इन केस किसी डिज़ास्टर की सूरत में हमारा मुल्तान वाली जो साइट है वो वहाँ से अप हो जाएगी, लेकिन हमारी जो सर्विसेज हैं वो इंटरप्ट नहीं होंगी किसी भी सूरत में। ग्रेट, इसका जो पर्पज़ होता है अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बेसिकली इसका काम क्या होता है, किस तरह से ये इंटरकनेक्ट रखता है सब चीज़ों को? बेसिकली जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के, वो उनके पीछे एक हमारी बैक एंड एप्लीकेशन चल रही है, वेब एप्लीकेशन हैं, डेटाबेस है, तो उन सब की जो कंप्यूट है या वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से ऑपरेट हो रही है डाटा सेंटर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक से लेकर एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती है। 300 से ज़ायद प्रोग्राम्स में 3000 से ज़ायद कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। ऑनलाइन तालीम में ओपन यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडियोज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके साथ साथ इनका एक FM रेडियो भी है। तो मेरे साथ सीनियर प्रोड्यूसर जो हैं शहजाद अली, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से। 3 प्रोडक्शन हाउसेज हैं आपके, स्टूडियोज़ हैं एक्चुअली, जहाँ पर बैठ कर आप ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको चला रहे हैं, लाखों तलबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं ये स्टूडियो? बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग की फिलोसफी के तहत जो है वो डिस्टेंस लर्निंग में स्टूडेंट को तालीम दे देता है। तो इसी फिलोसफी के तहत इसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी बनती थी कि डिस्टेंस लर्निंग में जितना भी हमारा स्टूडेंट है उसको जहाँ हम अलाइड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, तो वहाँ फिर उनको हम डिजिटल फॉर्म में भी उनको कंटेंट प्रोवाइड करें, एकेडमिक कंटेंट। उसके लिए ये जो इस वक्त में और आप यहाँ बैठे हैं, ये एक कन्वेंशनल टेलीविज़न का सेटअप है। दिस सेटअप वाज कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान थ्रू जायका कंपनी। तो बेसिकली इसका पर्पस ये था कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जो हमारे पास इनरोलमेंट इनकी है उनको एकेडमिकली अलाइड मटेरियल प्रोवाइड करें। ये जो अलाइड मटेरियल है ये 2 किस्म का होता है, ऑडियो विजुअल कंटेंट हम डेवलप करते हैं इन दिस स्टूडियोज, और उसकी हम फाइनल एडिटिंग करके उनको टेलीविज़न में रेडियो पाकिस्तान रेडियो के ज़रिए, FM के ज़रिए और ऑनलाइन मोड में हम उनको अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जनाब, तो मुख्तलिफ जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशंस हैं उनको बुरोए कार लाते हुए इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लाखों से ज़ायद जो तलबा हैं उनको तालीम दी जा रही है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर में, जो कि पिछले 2 साल से काम कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ सोलंगी, जो कि इंचार्ज हैं इस स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर के। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि सेंटर किस तरह से काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको, मैं वेलकम करता हूँ स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर में। रश तो काफ़ी है, स्टूडेंट्स का काम भी हो रहा है, काउंटर्स हैं वो भी ऑक्यूपाइड हैं, फुली काम हो रहा है। जी बिल्कुल, नो एक काउंटर्स नजर आ रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं आप? जी मैं आपको उससे पहले इनिशियली थोड़ा सा बताता चलूँ, ये स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर है, ये हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी एंड काउंसलिंग सर्विसेज है उसके अंडर अम्ब्रेला के अंडर काम करता है, और इसी के साथ हमारे साथ एक अटैच है कॉल सेंटर। तो ये दोनों एंटिटीज स्टूडेंट एडवाइजरी एंड काउंसलिंग सर्विसेज के डायरेक्टरेट के अंडर काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर की। पहले स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों पर जाया करते थे यूनिवर्सिटी में, जब ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था स्कैटर्ड होते थे, मसाइल उनके बिल्कुल हल होते थे, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में जाया करते थे।
तो 2022 अक्टूबर में ये यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है और अब हमारे पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो यहाँ आके हमारे पास अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी एंड काउंसलिंग सर्विसेज के दो काउंटर्स हैं, दो हमारे पास एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के काउंटर्स हैं, इसी तरह दो काउंटर्स हमारे पास एडमिशन डिपार्टमेंट के हैं, एक काउंटर हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज का है जो स्टूडेंट्स के वर्कशॉप्स से रिलेटेड और ट्यूटर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास होती है। काउंटर नंबर टू पे हमारे पास फी मैटर्स का है, स्टूडेंट को अगर वहाँ से चलान जनरेट करना है अपना, जो उसकी फ़ी होगी डिजायर्ड जो भी फ़ी होगी वो वहाँ से चलान ले लेगा। और काउंटर नंबर वन पे हमारे पास बैंक है और वहाँ हमारे पास एलाइट बैंक का काउंटर है, वहीं सबमिट करा के अंडर वन रूफ फैसिलिटेट होके स्टूडेंट पे नियुक्त। यूनिवर्सिटी का एडमिशन डिपार्टमेंट बड़ा ही अहम होता है। Why? Because इस एडमिशन डिपार्टमेंट की वजह से ही पता चलता है कि कितने की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स दाखिले के लिए आना चाहते हैं और ये उनको क्या ऑफर कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर एडमिशन ज़िया नकवी साहब के साथ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। धड़ाधड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो लाखों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। एडमिशन डिपार्टमेंट बड़ा अहम होता है, आप अपने एडमिशन डिपार्टमेंट में ऐसी क्या अट्रैक्टिवनेस क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं जो इतनी अपील कर रही हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वैरायटी है प्रोग्राम्स की वो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक साइंसेज के सोशल साइंसेज के हर किस्म के प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं। तो उसके बाद तरीकाकार भी इतना आसान है कि घर बैठे ही स्टूडेंट्स इसमें दाखिला ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास लाखों की तादाद में हर सेमेस्टर में स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं। ठीक है, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स तो हैं, हज़ारों की तादाद में आप कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, तो क्या क्या है तरीक़ेकार क्या है? वो तो ऑब्वियसली ऑनलाइन है, लेकिन कितने कोर्सेज जो हैं वो करवा रहे हैं, एडमिशन के टाइम क्या क्या होते हैं, कितने कितने अरसे के बाद आप एडमिशन के लिए बुलाते हैं स्टूडेंट्स? जी, हमारे एडमिशन साल में दो मरतबा ऑफर होते हैं, बाहर सेमेस्टर के और ख़ज़ान सेमेस्टर के। बाहर सेमेस्टर हमारा जनवरी में शुरू होता है और ख़ज़ान सेमेस्टर जो है वो जुलाई में शुरू होता है। और तरीकाकार बहुत ही आसान है, जब से हमने ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम मुतारिफ करवाया है तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हमने मैनुअल भी रखा हुआ है। जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं होती वहाँ पे मैनुअल सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। तो वहाँ पर आसानी के साथ स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन सिस्टम के ज़रिए अपने प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फीस जमा करवाने का तरीकाकार भी बहुत आसान कर दिया। इजी पैसा जैस कैश के जरिए वो अपनी फीस भी जमा करवा लेते हैं और ये दाखिले का प्रोसेस बड़ी आसानी के साथ घर बैठे ही मुकम्मल कर लेते हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज डॉक्टर मलिक तौकीर रहमत खान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कितने एक सर्विसेज सेंटर काम कर रहे हैं और ये सब सर्विसेज सेंटर को कैसे इंटरकनेक्ट रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। किस तरह से काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको अंजाम दे रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके यहाँ तशरीफ लाने का। डायरेक्टरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज जो है वो पूरे मुल्क में हमारे एक आउटरीच है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, और चूँकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में हम डील करते हैं तो ये आउटरीच बड़ी अहम है, जहाँ पे हम ट्यूटोरियल सपोर्ट सर्विसेज और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन से लेके, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्री एडमिशन एक्टिविटीज़ से लेके तलबा तलबात के डिग्रीज़ के हसूल तक जो है हम उनको तमाम सर्विसेज जो भी एक रीजनल ऑफिसेज में उनको खिदमात दरकार होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। 50 से ज़्यादा हमारे रीजनल कैंपस है पूरे मुल्क में और हम तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान की सरहद है वहाँ वहाँ पर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मौजूद है, और उसके रीजनल ऑफिसेज, रीजनल कैंपसेज और उससे भी नीचे अगर जाएँ
तो हमारे ट्यूटर्स हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे पार्ट टाइम रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम सर्विसिंग डिपार्टमेंट हैं, तो स्टूडेंट को जिस तरह की भी मुश्किल फर्ज करने फील्ड में आती हैं तो उसको हम एक दूसरी एक और अहम चीज़ हम करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करते हैं, पॉलिसीज़ को जो है वो इंप्लीमेंट कराने के लिए रीजन से हम इकदाम करते हैं, और इसी वजह से हमारे रीजन और रीजनल सर्विसेज और उनके नेटवर्किंग की वजह से और उनके एक प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 लाख से ज़्यादा इनरोलमेंट भी है। हम मुख्तलिफ वर्ल्ड रैंकिंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जब हम रेट करती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस वक्त जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आज हम पहले नंबर पर हैं। हमारे कैंपस जो हैं वो ग्रीन कैंपसेज हैं, उसमें भी हमारे पोजीशन मौजूद है, और जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं या हेड ऑफिस में आपने देख लिया, रीजनल ऑफिसेज में भी हम मोस्टली जो है जहाँ पे हमारी एटलीस्ट बिल्डिंग्स हैं वो इनिशियली उनको हम ग्रीन कैंपस में भी तब्दील कर रहे हैं और वहाँ पे सोलर जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये जो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है वो इस मुल्क के लिए सबसे आगे बढ़कर एक कारामद इदारा साबित हो। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में उसके वीसी का बड़ा ही अहम किरदार होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आएँ और यहाँ के वीसी साहब से मुलाकात ना करें? मेरे साथ मौजूद हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, जो कि 30 साल से ज़ायद इंतज़ामी और तदरीसी तजर्बा रखते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर एज अ वाइस चांसलर काम कर रहे हैं बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन में नेशनल टीचर काउंसिल एसोसिएशन के चेयरपर्सन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्लेजर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द प्रोग्राम। सर, इतना वसी तजर्बा रखते हैं आप माशाल्लाह से तालीमी मैदान में, अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी की जब बागडोर संभाली आपने, इसका जैसा नाम है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो क्या एक तासुर जाता है इस यूनिवर्सिटी से? जी, मैं इससे पहले भी, वाइस चांसलर लगने से पहले भी इसी यूनिवर्सिटी में कोई 10 साल से तकरीबन काम कर रहा हूँ। सो यूनिवर्सिटी के मामलात या इसका इंतज़ाम और इसका तरीका कार जो है, उससे मेरी शनासाई काफ़ी हद तक हर चीज़ में रही, लिहाजा मेरे लिए कोई बहुत नई या अजनबी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ होने का एक फ़ायदा ये है कि आपका वो जो टाइम सिस्टम समझने में खर्च होता है वो मैं पहले क्योंकि कर चुका हूँ, तो लिहाजा मुझे उस पर वक्त नहीं लगाना पड़ा। तो मैंने स्ट्रेट डे वन से ही अपना काम जो है वो आगाज़ कर दिया, एजेंडा जो था वो मेरे जहन में था। सही सर, ओपन यूनिवर्सिटी का जब भी नाम लिया जाता है तो एक तासुर है लोगों के जहन में। कुछ लोग इसको समझते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट है, तो इस तरह तासुर को ज़ाहिर करें और आज हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आखिर ये यूनिवर्सिटी क्या स्टेटस रखती है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी हुई एक फेडरल गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला कोई तसव्वुर नहीं है। इसका और फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्क सिर्फ जो है वो मोड ऑफ डिलीवरी का है एजुकेशन की। इसकी दी गई डिग्रियां बिल्कुल उसी तरह से तस्लीम की जाती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, जिस तरह किसी भी और यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ होती हैं। सो ऐसा कोई फ़र्क एग्जिस्ट नहीं करता है। सही सर, 33 से ज़ायद ममालिक जो हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, और साथ साथ जो अभी अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो तकरीबन 10 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास हैं। ओपन एजुकेशन, इसका जो तासुर है उसको किस हद तक मीट कर रहे हैं आप? देखिए, ये बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी है ही ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का तस्वर भी जैसे बाकी चीज़ें बदली हैं, तो लास्ट 50 सालों में उसका तस्वर भी बदलता रहा है। अगर आप आज के दिन की गुफ्तगू करें तो आज दुनिया में ओपन से मुराद हम कहते हैं सबसे पहला तो ये कि इसकी एडमिशन पॉलिसीज ओपन होती हैं। ओपन से मतलब है कि आप किसी भी एज के आदमी को, किसी भी एज के लोग को जो पढ़ना चाहते हैं उनको दाखिला दे देते हैं। आपकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जो स्टेट के कवानीन हैं उसके मुताबिक बॉटम लाइन से ऊपर होती हैं। सो हमको बहुत ज़्यादा उस तरह से इसे कहते हैं ना, क्योंकि एक्सेस भी हमारे पर्पज़ में से एक है। सो ख़ास तौर पे जो हमारे अंडरग्रेड तक के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम सब लोगों को जो कि बेसिक एलिजिबिलिटी
मसलन सेकंड डिवीजन है उनकी किसी भी प्रोग्राम में। इसके अलावा उनका उनकी एज रूटीन की एज से ज़्यादा हो चुकी या है, वो वर्किंग है, किसी जगह जॉब करते हैं। सो हम इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बगैर लोगों को एडमिशन देते हैं। स्कॉलरशिप का आई हैव हर्ड अबाउट योर यूनिवर्सिटी के जो आप ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कितनी किस्म की ये स्कॉलरशिप्स हैं? कुछ फ्री एजुकेशन के प्रोग्राम्स भी हैं जो कि मैंने सुना है कि आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, किन किन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी जो है अपने फंड्स के साथ, जब मैं कहता हूँ अपने फंड्स तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, स्टूडेंट्स के ही फंड हैं, उन्हीं से फीस आती है, वहीं से जमा होते हैं, फिर हम उनको इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए जी हमारे पास 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट सपोर्ट के जो यूनिवर्सिटी उन्हें फ़ंड करती है एजुकेशन के लिए। उसमें एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो हम देते हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को जो 80% से ज़्यादा स्कोर मेंटेन करते हैं उनको देते हैं। लेकिन इसके हट से जो प्रोग्राम जिनको हम ज़्यादा अपने लिए सोर्स ऑफ प्राइड समझते हैं जी, उनमें मैट्रिक की तालीम फ्री है जी गिलगित बल्तिस्तान में और बलोचिस्तान में मुकम्मल तौर पे, और जो प्रीवियसली फाटा कहलाता था उन ज़िला में भी मैट्रिक फ्री हम तालीम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से जी ट्रांसजेंडर्स की है, यानी ये इनको हमने इन वन वे और अदर ये फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जो इनके साथ वहाँ सलूक होता है जी, उस वजह से वहाँ जाना कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो हमारे यहाँ ये है कि इनको आना नहीं पड़ता, ये ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, घर बैठे पढ़ रहे। तो हमारे पास इस वक्त ट्रांसजेंडर्स बहुत सारे पढ़ते हैं जी, और मैट्रिक से शुरू करके PhD तक के प्रोग्राम्स में हैं, उनके लिए तालीम हर तरह से फ्री है तमाम। ठीक है, सोशल वेलफेयर के कुछ काम हैं जिसमें मैंने ये भी सुना है कि जेल में जो कैदी हैं उनके हवाले से बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके, उसका कोई मोड ऑफ जो टीचिंग है वो क्या है? कैदियों के लिए जी तमाम 12 बड़े जेल्स में पाकिस्तान के हमारा प्रोग्राम चलता है। हम साथीज़ा प्रेफर करते हैं कि वही लोग जो किसी वजह से जेल में, अगर उनमें से कोई इतना पढ़ा लिखा है तो हम उसी को अपॉइंट कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे साथीज़ा जेल में क्लासरूम वो हमें देते हैं, जाके उन्हें पढ़ाते हैं जी, उनका एग्ज़ाम भी वहीं पे होता है, उनकी भी किताबें तमाम चीज़ें फ्री प्रोवाइड करते हैं। इससे उनको ये होता है कि उनकी सज़ाओं में कमी हो जाती है, और जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास कोई ऐसे डिग्री होती है, कोई स्किल होती है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इसी तरह जो शहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम है पाकिस्तान में, ऐसा किसी तरह की भी स्पेशलिटी आप रखते हैं, आप ब्लाइंड हैं, आप हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, या किसी भी तरह के और दूसरे अफराद जितने भी हैं, उनकी तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री है। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को तालीम दे रही है, वो लोग जो किसी न किसी वजह से अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रख सकते, उनके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उनके लिए तजर्बे की कोई कैद नहीं है, उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वो घर बैठ कर ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास एशिया का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मेलिंग सेंटर। यहाँ पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का निसाब तैयार भी होता है, शाया भी होता है, शाया होने के बाद वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है उनके घरों में बाकायदा तौर पर उनका जो निसाब है, जो सिलेबस है, जो किताबें हैं यहाँ से भिजवाई जाती हैं। इट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता बल्कि इससे आगे भी एक कमरा है जहाँ पर किताबें ही किताबें हैं। कैपिटल लाइफ में आज हमने आपको विजिट करवाया शायरे मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर बनी ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ निसाबी बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों को भी फ़रोग दिया जाता है। अगर आप भी किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए और उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें तालीम हासिल करने से घबराहट होती है, तो फिक्र मत कीजिए, आप किसी भी लम्हे इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।